ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और आप देखिए ईडी के अधिकारी तमाम गाड़ियों को यहाँ से ले जाते हुए, और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये जो बसें हैं पुलिस की वो भी पीछे जा रही हैं, यानी कि सुरक्षा का बड़ा घेरा, तमाम गाड़ियां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक यहाँ से निकलती हुई और पूरे सुरक्षा घेरे के साथ इन गाड़ियों को निकाला गया। आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, देखिए पुलिस यहाँ पर बैरिकेड करके तैयार है, यहाँ पर रस्सियां लगाई गई है और यही से तमाम गाड़ियां निकल गई है, एक के बाद 6 से 7 गाड़ियां निकली है, पुलिस का पूरा बड़ा काफिला, ईडी के तमाम बड़े अधिकारी, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी, और इस घेरे को तैयार कर दिया गया था। पहले से ये कह दिया गया था कि शायद यहीं से ही इसी तरफ से निकाला जा सकता है, और अब यहाँ देखिए हलचल बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल के घर से यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है, उनका पूरा परिवार उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, और जब यहाँ पर परिवार था तो परिवार के लोग इसी बात को लेकर चिंतित थे कि क्या ले जाएंगे, लेकिन लेकर चले गए हैं, और लेकर चले गए हैं तो इस तरीके से पूरा बैरिकेड कर दिया। देखिए केजरीवाल के नारेबाजी लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, क्या ये इस तरह सर लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है। दिल्ली के अंदर पूर्व बहुमत से चुनी हुई सरकार के मुखिया को जो राष्ट्रीय पार्टी है, आज मोदी जी ने उनको गिरफ्तार किया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार सरासर झूठ है। इससे पहले सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को लेकर के गए, एक भी सबूत नहीं पेश कर पाए। ये अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तार, केजरीवाल ने अन्याय किया जा रहा है, केजरीवाल सर के साथ में मोदी हरामखोरी बनकर गिरफ्तार कर दिया, भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये पुलिस इस वक्त इन सभी लोगों को पीछे की तरफ धकेल रही है, तस्वीर दिखाते रहिए धर्मेंद्र जी, पीछे की तरफ धकेल रही है और यहाँ से हटाने की कवायद की जा रही है। ये लोग यहाँ पर जमा थे इस इंतजार में कि कब अरविंद केजरीवाल को यहाँ से अरेस्ट करके ईडी की टीम ले जाती है, और आप देखिए कि यहाँ से लगातार इन लोगों को पीछे की तरफ धकेलते हुए ये बसें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि इनको डिटेन करके यहाँ पर ले जाया जा सके, और ये लोगों की भीड़ लगातार यहाँ जमा होते, पूरा ट्रैफिक पीछे की तरफ बंद कर दिया गया है, तो एक के बाद एक कई गाड़ियां यहां से निकली हैं, और इसके बाद यहां से सीधा ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा जहां पर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद कल कोर्ट में पेशी होगी। तो अरविंद केजरीवाल आपके पास आ रही हूं अभी की बड़ी खबर, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस से ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये पूरा गाड़ियों का काफिला सीएम हाउस से बाहर निकला था। अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीएम हाउस से ये तमाम गाड़ियां निकल रही थी, इन्हीं में से गाड़ी में अरविंद केजरीवाल भी मौजूद, और वहां पर ईडी के तमाम जो अधिकारी थे वो भी अभी अभी वहां से रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में ये तमाम लोग ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।